बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं, पार्ट 15। और इसमें क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पार्ट 15। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है हम इसमें सीखने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, जिसके थ्रू जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके ज़रिए आप क्या बना सकते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तैयार कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप ये ही नहीं जानेंगे इसके अंदर के सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से, सल्फ्यूरिक एसिड डीहाइड्रेटिंग एजेंट की हैसियत से, सल्फोनेटिंग एजेंट की हैसियत से और डाई बेसिक एसिड की हैसियत से, ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी देखेंगे। उसके बाद यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इस एक वीडियो में ही हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आपको तैयार करना है, कहाँ पर तैयार करेंगे? प्लांट, वो जो मशीन है, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप तैयार करने जा रहे हैं, उस मशीन को पहले देख लें कि वो है कैसी, उसके कितने हिस्से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिस्से हैं। पेज नंबर 26 पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैं वो 7 हिस्से जो है वो बना देता हूँ, उनको बनाना ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं बनाऊँगा जैसे कि यहाँ बने हुए, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाऊँगा। सिर्फ एक खाका सा जो है वो उसका मैं यहाँ पर बनाऊँगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और उसके बाद ये चौथा पार्ट, फिर पांचवा पार्ट होगा, फिर इसी के साथ ये छठा पार्ट जो है वो हो जाएगा, और फिर ये सातवां पार्ट जो है ये हो जाएगा। ठीक है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं भाई, यहाँ एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पार्ट जो है ये बन गए। ये 7 पार्ट बन गए, ठीक है। इनके नाम क्या है, इनके नाम भी डिस्कस करते हैं अभी, और इनके काम भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। पहले आप स्टेप्स देख लें, स्टेप्स, इनके नाम क्या क्या हैं और स्टेप्स ये कौन कौन से हैं वो भी लिख देता हूँ मैं। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्टेप नंबर 1 है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, पहले स्टेप में आप जो है सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड को स्टेप नंबर 2 में कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्टेप नंबर 2 में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू H2SO4, तीसरे स्टेप के अंदर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट करेंगे, और नंबर 4 में आप करेंगे डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम क्या है ये भी बताते हैं अभी आपको, जब ये स्टेप आएगा तो ये ओलियम भी आपको पता लग जाएगा, H2SO4, ठीक है भाई। तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, ये चारों स्टेप लिख लें, ये पिक्चर भी आप बना लें, क्योंकि इस प्लांट का, इस मशीन का बनना जो है वो ज़रूरी है। इसी के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे
पहले स्टेप नंबर वन, सल्फ़र जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा इसी प्लांट के अंदर, ये जो इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातवां पार्ट जो है इसमें हमारी प्रोडक्ट जो है वो बन के निकलेगी। ये जो सातवां पार्ट है इसमें से हमारी प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगी, H2SO4 यहाँ से निकलेगी। ठीक है भाई, अच्छा अब चलते हैं स्टेप नंबर, अब ये स्टेप्स भी हो गए, ये प्लांट भी मैंने बना दिया, इसकी ड्राइंग कर लीजिए बिल्कुल इसी तरह। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का इंट्रोडक्शन टू H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का इंट्रोडक्शन H2SO4। ठीक है भाई, क्या बात है इसके अंदर? सबसे पहली बात, हाईली कोरोसिव है ये, हाईली कोरोसिव का मतलब यही है कि ये अगर आपसे टच होगा या किसी भी चीज़ से ये टच होगा उसका टेक्सचर बिगाड़ देगा, उसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। ठीक है, खरोचे डाल देगा, खराशे डाल देगा, बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगा, जला देगा, मतलब उसका हुलिया बिगाड़ देगा आसान लफ्ज़ों में। इसको हम कहते हैं हाईली कोरोसिव है ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, मतलब इसका कोई भी कलर जो है वो नहीं है। तीसरी चीज़, इसका टेक्सचर जो है, टेक्सचर का मतलब होता है इसकी बनावट कैसी है, इसकी साख्त कैसी है, इसकी साख्त या बनावट, सल्फ्यूरिक एसिड का टेक्सचर यानी कि इसकी साख्त, इसकी बनावट कैसी है। ये विस्कस है, विस्कस लिक्विड है। विस्कस का क्या मतलब होता है? विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा और चिपचिपा, एग्जैक्ट इसका मतलब है। विस्कस का क्या मतलब है? चिपचिपा। 12 नुक्ते आएंगे, 3 नुक्ते 3 नुक्ते 3 नुक्ते 3 नुक्ते। तो ये इसका टेक्सचर कैसा है? ये चिपचिपा विस्कस लिक्विड है। ठीक है भाई, वाइडली यूज्ड होता है ये, बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये जो है इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड है ये, ठीक है भाई, क्या वजह है, वाइडली यूज्ड क्यों हो रहा है? ठीक है, आप ये तो बता देते हैं लेकिन अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, वाई, क्यों ये इतने बड़े पैमाने पर वाइडली यूज्ड, इतने बड़े पैमाने पर इतनी मुख्तलिफ जगहों पर क्यों जो है यूज़ हो रहा है? कोई फैक्ट्री देख लें, कोई इंडस्ट्री देख लें, कोई कपड़े का कारखाना देख लें, पेपर की इंडस्ट्री देख लें, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कारखाना है, कुछ भी हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर लाजमी होगा। इसको कहते हैं वाइडली यूज्ड। क्यों हो रहा है भाई? इसकी वजह क्या है? वह है इट्स वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब, वैसे हम कहते हैं हरफन मोला, समझते हैं किसको कहते हैं हरफन मोला? हम उस शख्स को कहते हैं जो हरफन में माहिर होता है। कुछ भी करवा लो आप, वो गाने भी गाएगा, वो सिंगर भी है, वो स्पोर्ट्समैन भी है, वो चेस का प्लेयर भी है, वो टीचर भी है, वो एजुकेशनिस्ट भी है, वो पॉलिटिशियन भी है। आप कोई काम उससे लेना चाहो वो आपको वैसा करके दिखा देगा, उसको हम कहते हैं हर फन मौला। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल। इसी को उर्दू में एक और वर्ड से बोला जाता है हमागीर। तो दोनों मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके, हमागीर या हर फन मौला भी किसी को कहा जाता है, हर फन मौला। तो वर्सटाइल नेचर है इसकी, तो इसीलिए ये हर जगह पे फ़ायदा देता है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, हर इंडस्ट्री में। ठीक है, ये वजह है इसकी। ठीक है, अच्छा, और इट्स वर्क, क्यों ये वाइडली यूज्ड होता है? इसकी वर्सटाइल नेचर की वजह से और इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ऐसी खसूसियात जो इसको, जो नायाब हैं, दूसरों से हट कर हैं, दूसरों के पास ऐसी खसूसियात नहीं हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात जो हैं वो यूनिक है, इसकी खसूसियात यूनिक हैं, दूसरों से हट कर इसकी खसूसियात होती हैं। ठीक है भाई,
ऑफन कॉल्ड, ऑफन कॉल्ड, ऑफन का मतलब है अक्सर, कॉल्ड का मतलब बुलाया जाता है अक्सर, इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। देखें आप जो, मैं बार बार समझाता हूँ ना कि आप जो है वो, इंडिया से भी बच्चे हमारे पास हैं इसलिए मुझे ये साथ साथ बताना पड़ता है, इंडिया में जी है, मेन है, एडवांस है, ठीक है, और जो है पाकिस्तान में हमारे पास एमडी कैट है, इसके अलावा और दूसरे टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो आपसे ये आसान सी बात नहीं पूछेंगे कि आपसे भाई ऑफन कॉल्ड इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को अक्सर एक और नाम से किस नाम से बुलाया जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, यहाँ तक तो आपने याद कर लिया। अगर आपने यहीं तक याद करके बस कर ली तो माजरत के साथ आप जी, मेन, एडवांस, एमडी कैट टेस्ट के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर, ये मैं आपको बता दूँ। आपको इससे आगे बढ़ना है, मुकाबले के इम्तिहान है, ये खेल तमाशे नहीं है। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई ऑफन कॉल्ड क्या बुलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को आप कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, आपसे अगला सवाल पूछ लिया जाता है ये विट्रियोल क्या है, चलो ऑयल तो समझ में आ गया, ये विट्रियोल क्या है, तो विट्रियोल जो है वो क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं, इसको हम कहेंगे मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। पुराने वक्तों में, पास्ट में ये मिक्सचर ऑफ मिलता था, विट्रियोल जो है ये ज़मीन से निकलता था, खुदाई के दौरान ये निकलता था विट्रियोल, ये दो कलर का होता था, ठीक है, ये दो रंगों का होता था हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास विट्रियोल है ये दो रंगों का होता था, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। ये विट्रियोल यानी कि ये जो है, ये जो चीज़ है जो ज़मीन से निकल रही है, ये दो कलर का होता था, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, ठीक है, दो कलर का होता था ये विट्रियोल जो कि ज़मीन से निकलता था, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। लेकिन ये होता क्या है, ये विट्रियोल असल में मिक्सचर होता है कुछ कंपाउंड्स का, चाहे ये विट्रियोल ब्लू कलर का हो चाहे ये ग्रीन कलर का हो, दोनों सूरतों में ये विट्रियोल असल में मिक्सचर है कुछ कंपाउंड्स का। कौन से कंपाउंड्स हैं ये भी आप नोट कर लें, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सल्फेट्स, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, सल्फेट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, कुछ ख़ास किस्म के जो है वो मेटल्स का कंपाउंड है, जैसे कि आयरन है, आयरन एंड कॉपर, जगह थोड़ी कम रह गई वहाँ पर, पता नहीं नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आयरन और कॉपर जो है इसके अंदर मुख्तलिफ वैरायटी की सूरत में, आयरन और कॉपर के कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये विट्रियोल, जो कि पहले वक्तों में ज़मीन से निकाला जाता था, और ये दो तरह का होता है, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर ये जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जा रहा है, तो समझ जाइए कि इनमें से ये हमारे पास जो है ये ब्लू विट्रियोल है। अब ये विट्रियोल की दो टाइप्स हो गई, ब्लू विट्रियोल भी हो गया और ग्रीन विट्रियोल भी हो गया, तो इस ब्लू ग्रीन विट्रियोल में से किसी एक से जो है इसको निकाला जाता है, निकाला जाता था किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को इसी ब्लू या ग्रीन से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा विट्रियोल है, इसमें से निकाला जाता था सल्फ्यूरिक एसिड को, और जब सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल से निकाला जाता था ऑयल की सूरत में, तो इसको एक नाम उस वक्त जो दिया जाता था वो क्या दिया जाता था, वो ऑयल ऑफ विट्रियोल इसको कहा जाता था। फिर जाके इस पर जब मज़ीद वर्कआउट हुआ तो फिर इसका केमिकल नेम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आया। तो ये इसका जो है वो सारा मैंने आपको बता दिया कि ये विट्रियोल से ये निकलता है बेसिकली, जो दो टाइप्स के होते हैं ब्लू और ग्रीन, और ये विट्रियोल क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फेट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, जैसे कि आयरन और कॉपर, इसको नोट्स में डाल लीजिए आप, ठीक है भाई, ये इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। और क्या इंट्रोडक्शन, अभी प्रिपरेशन की तरफ नहीं आया अभी, अभी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अच्छा, मेथड क्या है, किस मेथड से इसको विट्रियोल से जो है वो अलग किया जाता था,
विट्रियोल से जो इसको निकाला जाता था, किस मेथड से निकाला जाता था? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। देखें अब ये आ गया, मैंने पॉइंट इसका लिखा हुआ था, ग्रीन कलर का विट्रियोल है, उसकी डिस्टिलेशन होती थी, उसके ज़रिए निकाला जाता था इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। अब ये डिस्टिलेशन क्या है, ये अगले वाले चैप्टर में बाकायदा ये आएगा, ठीक है, इसलिए अभी इसके ऊपर बात करना फिजूल है, बल्कि ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये डिस्टिलेशन में तफसील से इसके ऊपर बात करूँगा। बहरहाल ये एक मेथड है जिसके ज़रिए ग्रीन विट्रियोल में से इसको सल्फ्यूरिक एसिड को निकाला जाता था, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए जो तैयार किया जा रहा, किस मेथड के ज़रिए इसको तैयार किया जा रहा है, मेथड का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मेथड का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके ऊपर मैंने स्टेप भी आपके सामने लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। इसके नाम से ही आप समझ जाइए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, आपको सल्फर लेना है, येलो कलर का पाउडर होता है बाज़ार से मिलता है, बहुत सारा सल्फ़र ले आइए। उसके बाद इस सल्फ़र की आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराना है। अब सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का क्या मतलब है भाई, इसका आसान सा मतलब बर्निंग है, ठीक है। सल्फ़र को आप जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब आप सल्फ़र की क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। कहाँ पर हो रही है बर्निंग, ये जो पहला वाला आपको चैम्बर नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं, ये पहला वाला चैम्बर, ये जो पहला वाला चैम्बर है इसके नाम है कुछ, यहाँ पर आपको कितना इसमें आपको सल्फ़र लाना पड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ से आएगी अंदर, ऑक्सीजन गैस इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी। स्टेप नंबर 1 ये हो गया। कितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, 400 से 500 डिग्री तक आपको जो है वो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है ये बनेगी। अच्छा, ये सल्फ़र को जो आपने बर्न किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो ये बन गई है। किस चैम्बर में बनी है, ये जो कॉन्टैक्ट प्लांट है इसमें जो पहला टावर है, इस पहले टावर का नाम लिख लीजिए, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है, इसके 3 नाम है जो कि यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर मैं मिटा दूँगा। इसको सल्फ़र बर्नर भी कहते हैं, सल्फ़र बर्नर भी कहते हैं इसको, सल्फ़र बर्नर भी कहते हैं इसको, और जो इसको पाइराइड बर्नर भी कहते हैं, पाइराइड बर्नर भी इसको कहा जाता है। 2 नाम हैं इस पहले वाले बर्नर के, यहाँ पर सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के बर्निंग करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बन गई ना, ये इसमें ये अकेली नहीं बनी, बल्कि इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है इम्प्यूरिटीज़ भी हैं, इम्प्यूरिटीज़ भी हैं। ये इम्प्यूरिटीज़ क्या हैं, ये इम्प्यूरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्मों की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जिसमें आर्सेनिक भी होता है इसके अंदर, सिलिका भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आर्सेनिक भी है, ठीक है, सिलिका है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट ये है, आपको ये चाहिए सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस चाहिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ये जो आर्सेनिक आ रहा है, ये सिलिका आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब अगला स्टेप ये है कि आप इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करें, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें, और इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के ये बाकी के 3 चैम्बर हैं ना, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये तीनों के तीनों चैम्बर्स जो हैं कलेक्टिवली सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ बन के यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इन तीनों चैम्बर्स में इस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की सफाई हो रही है, इसमें
जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, आर्सेनिक है, सिलिका है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये सब की सब रिमूव कर दी जाती हैं, सब की सब रिमूव कर दी जाती हैं। उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और जब ये प्यूरिफाइड सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल के ये पाँचवें चैम्बर में आती है, तब इसके ऊपर मज़ीद काम होता है। कौन सा काम होता है? यहाँ से निकल के यहाँ तक कौन सी गैस आई है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली अब ये पाँचवें चैम्बर में आएगी तो ये साफ़ सुथरी होके आ चुकी, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इस जगह पाँचवें चैम्बर में। और यहाँ स्टेप अप कौन सा चल रहा है? स्टेप नंबर वन देख लें, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। इसमें ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, याद रहे, इन स्टेप्स के अंदर मैंने ये जो तीन चैम्बर्स हैं जिनमें आप इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर रहे हैं, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ आ रही हैं इम्प्योरिटीज़, ये आर्सेनिक, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इनको इस प्यूरिफिकेशन का स्टेप यहाँ नहीं लिखा, ये बात जहन में रखिएगा। मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र टू सल्फ़र डाइऑक्साइड के बाद डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ये दूसरा स्टेप मैंने लिखा है, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। और ये दूसरा स्टेप कहाँ पर होगा? ये पाँचवें चैम्बर में, ये पाँचवें चैम्बर में, इस चैम्बर में जाके ये सल्फ़र डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगी? सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। कैसे? क्या फ़र्क है सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में? ऑक्सीजन का फ़र्क है भाई, मतलब मज़ीद यहाँ पर आप इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसके नतीजे में सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस यहाँ पर इस चैम्बर में बनेगी, ठीक है। और इस पाँचवें चैम्बर में ही स्टेप नंबर टू, कन्वर्जन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर थ्री के लिए ये छठा चैम्बर है, स्टेप नंबर थ्री के लिए छठा चैम्बर है, और स्टेप नंबर फोर के लिए ये सातवां चैम्बर है, ठीक है। लेकिन ये जो प्यूरिफिकेशन वाले मैंने बताए हैं, इस ये चीज़ें जो कि इन तीन टावर्स में हो रहे हैं, इनकी डिटेल ज़रा नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है कि इन तीन टावर्स के नाम क्या हैं और इन तीन टावर्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो साफ़ हो रही हैं। प्यूरिफिकेशन, अब यहाँ नोट हेडिंग डाल लें, प्यूरिफिकेशन, याद रहे, फिर बता रहा हूँ कि ये प्यूरिफिकेशन वाले स्टेप यहाँ शामिल नहीं किए मैंने, ठीक है। लेकिन ये प्यूरिफिकेशन वाला स्टेप होगा कब? स्टेप नंबर वन के बाद, इन तीन चैम्बर्स में। तो इसकी हेडिंग डाल लें, प्यूरिफिकेशन फ्रॉम डस्ट, प्यूरिफिकेशन फ्रॉम डस्ट और इम्प्योरिटीज़, जो मिट्टी है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चैम्बर जो दूसरा वाला चैम्बर है, इसको क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर वाला जो चैम्बर है इसका नाम देख लीजिए, इसको डस्ट फिल्टर कहते हैं, डस्ट फिल्टर। ये क्या है? डस्ट फिल्टर, दूसरा वाला। अब यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए इसलिए मैंने टू लिखा हुआ। ये क्या है? डस्ट फिल्टर चैम्बर है। इसके नाम से ही आप समझ जाइए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जो आ रही है, जो मिट्टी लेके आ रही है, डस्ट लेकर आ रही है, वो इस चैम्बर में साफ़ होगी, डस्ट फिल्टर चैम्बर में, ठीक है। तीसरा जो चैम्बर है ये वाला, इसका नाम है वॉशिंग टावर, वॉशिंग टावर। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से अब यहाँ आ गई है इस वाले टावर में, इसका नाम वॉशिंग टावर है। अब यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को वॉश किया जाए, वॉश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से तो डस्ट अभी निकली है, अभी इम्प्योरिटीज़ भी तो हैं। तो ये तीसरा टावर है वॉशिंग टावर, यहाँ इसको वॉश किया जाएगा। और वॉश करने के बाद जो अगला है टावर, वो है ड्राइंग टावर, वो है ड्राइंग टावर। ये कौन सा? चौथे नंबर वाला ड्राइंग टावर। यहाँ पर अब सल्फ़र डाइऑक्साइड को ड्राई किया जाएगा। तो इन तीन चैम्बर्स में से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब गुजरेगी तो इसमें से डस्ट और इम्प्योरिटीज सब के सब रिमूव हो जाएंगी। ये वाला चैम्बर कौन सा है? डस्ट फिल्टर चैम्बर है। तीसरे नंबर वाला वॉशिंग टावर है।
और चौथे नंबर वाला ड्राइंग टावर, नोट कर लिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाई, क्यों ये इम्प्योरिटीज़ आप रिमूव कर रहे हैं, व्हाई, ये सवाल आ जाता है, व्हाई यू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आप क्यों रिमूव कर रहे हैं, इसका जवाब, व्हाई टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, व्हाई टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ सच एज आर्सेनिक सिलिका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जवाब ये रहा, बिकॉज आर्सेनिक सिलिका कार्बन डाइऑक्साइड कैन पॉइजन जहरीला कर सकते हैं कैटलिस्ट को। कौन से चैम्बर में है कैटलिस्ट? इस पांचवे चैम्बर में, ठीक है। कैन पॉइजन कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट का नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसकी तफसील अभी आ रही है आगे, ठीक है। V2O5 इसको, इस कैटलिस्ट को कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और ये जो पांचवे नंबर वाला चैम्बर है इसको कैटालाइटिक चैम्बर कहते हैं। इसके तीन नाम है इस पांचवे नंबर वाले के, इसको कैटालाइटिक चैम्बर भी कहते हैं, कैटालाइटिक चैम्बर भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्टैक्ट टावर भी कहते हैं, कॉन्टैक्ट टावर भी कहते हैं। और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग टावर, ये पांचवें नंबर वाला। तो ये पांचवें नंबर वाला जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, एक कैटलिस्ट मौजूद है। क्या नाम है उसका? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट है ये पॉइजन हो सकता है, ये जहरीला हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है। किसकी वजह से? इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से, आर्सेनिक सिलिका कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर यहाँ पर ये इस चैम्बर के अंदर ये कैटलिस्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, अगर ये पॉइजन हो जाए, ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड की, जैसे जितनी आप चाहते हैं उतनी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिल रहा होगा फिर आपको। इसलिए ये बेहद अहम है कि आप इन इम्प्योरिटीज़ को पहले रिमूव कर दें इन तीन चैम्बर्स की मदद से, और प्योर जो है सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर भेजें इस पांचवे चैम्बर में। और क्या नाम है? तीन नाम है इस पांचवे चैम्बर के। क्या बताया मैंने आपको? कैटालाइटिक चैम्बर पांचवे नंबर वाला, इसको कॉन्टैक्ट टावर भी कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहते हैं। इसी के अंदर ये कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये पॉइजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से रिमूव होना चाहिए, ठीक है भाई। अब चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ। स्टेप नंबर टू हमारा याद रहे, अब यहीं से शुरू होगा, चैम्बर फाइव से। स्टेप नंबर टू क्या है? ये कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने, ठीक है भाई। पांचवा चैम्बर जो है वो आप यूज़ करेंगे। क्या कहते हैं इस पांचवे चैम्बर को हम? इसको जो है हम वो कैटालाइटिक चैम्बर या दूसरा नाम क्या है? कॉन्टैक्ट टावर या ऑक्सीडाइजिंग टावर कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन की मदद से आपको बता देता हूँ। ये सल्फर डाइऑक्साइड के दो मोल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर आपको वेनेडियम
पेंटा ऑक्साइड, इसका नाम ये लिख देता हूँ मैं, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटोक्साइड। कैटलिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पर 400 से लेके 500 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर आपको देना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना है 1 से लेके 2 ATM तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना है। सब कहाँ होगा? इस पांचवें नंबर वाले टावर में, कैटालिटिक चैम्बर या कॉन्टैक्ट टावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग टावर के अंदर ये होगा। उसके नतीजे में यहाँ पर क्या बनेगी? 2 मोल बनेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए डेल्टा एच जो है -45 किलो कैलोरी पर मोल हीट जो है वो रिलीज होगी, -45 किलो कैलोरी पर मोल हीट जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये अगले चैम्बर में जाएगी, छठे चैम्बर में, और यहाँ पर हमारा तीसरा जो है वो स्टेप शुरू हो जाएगा। मिटाऊँ इसे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू H2SO4। कौन सा चैम्बर है? ये छठा चैम्बर है, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन टावर, इसको एब्जॉर्प्शन टावर कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर? प्रोडक्शन ऑफ ओलियम। ये ओलियम क्या बला है भाई? ये ओलियम जो है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, H2S2O7, ये ओलियम है। ठीक है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, धुएं वाला सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली ये जो ओलियम है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है, लेकिन कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? लिक्विड नहीं, बल्कि धुएं वाला। ठीक है, गैस की शक्ल का। तो ये गैस की शक्ल का जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसको ओलियम कहा जा रहा है, वो तैयार होगा इस जगह पे। और इस चैम्बर, छठे नंबर वाले चैम्बर को क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन टावर। अब ये तैयार होगा कैसे? यहाँ तक आपको पता है, यहाँ पांचवें चैम्बर से यहाँ तक ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पर आ चुकी है। अब ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर आ चुकी है, हमें यहाँ पर इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पहले से बना हुआ होगा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारा, वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर आप डालेंगे H2SO4। उस सल्फ्यूरिक एसिड को इस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, उसके नतीजे में ये बनेगा ओलियम। ठीक है, या इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2S2O7। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, तो ये देखें, इसके केमिकल इक्वेशन देखें, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को आप रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4, इसके नतीजे में क्या बन रहा है? ओलियम बन रहा है। अब देखें, ओलियम का आपको केमिकल फार्मूला मुश्किल लग रहा होगा ना, या देखें, H2 हाइड्रोजन 2 है, और उसके बाद सल्फ़र है, कितना है सल्फ़र? एक सल्फ़र ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा? H2S2। फिर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन 3 है, तो 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 7 ऑक्सीजन। ये बन गया ओलियम, ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है भाई, ये स्टेप नंबर 3 भी हो गया। अब इस ओलियम का या इस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का हमें क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड ही डालना है, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना बनाया यहाँ पर डाल के फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं,
और फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, तो भाई फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की ज़रूरत क्या है जब पहले ही बना हुआ है? तो जहन में क्वेश्चन आ सकता है ना कि यार क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भी तो सल्फ्यूरिक एसिड आप सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ मिक्स करके ओलियम बना रहे हैं, ज़रूरत क्या है? क्वांटिटी का फ़र्क है ना भाई, क्वांटिटी का फ़र्क। यहाँ पर जो आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं वो आप 1 किलो डाल रहे हैं और उसके नतीजे में ओलियम बन रहा है, उस ओलियम से जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है वो 4 किलो बन रहा है। मिकदार का तो फ़र्क है ना यार, मिकदार का तो फ़र्क है ना। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, ओलियम को डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, ओलियम को डाइल्यूट करना। आपको पता है डाइल्यूट करना मतलब पतला करना, कैसे पतला करते हैं, कैसे डाइल्यूट करते हैं? पानी मिला के बस। तो यहाँ पर यही होगा, क्या करेंगे आप, मिक्सिंग, जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस 7वें नंबर वाले टार्ग, इसमें 7वें नंबर वाले चैम्बर में जब आ जाएगा, इसका बुक में कोई नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद से इसका एक नाम बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया प्रोडक्शन टावर, क्योंकि प्रोडक्शन ही हो रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ये जो ओलियम है H2 और S2O7, ये जो ओलियम है इसको यहाँ पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात ये क्या है, ये जो हमारे पास प्रोडक्शन टावर है, प्रोडक्शन टावर है, खुद ही मैंने ये नाम बना दिया, यहाँ पर तो लिखा नहीं है, खैर ठीक है। तो इस प्रोडक्शन टावर में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ओलियम, मिक्सिंग ऑफ ओलियम, ओलियम की मिक्सिंग हो रही है विद वाटर, पानी के साथ, ठीक है। इसका केमिकल रिएक्शन H2S2O7+H2O, ठीक है, इससे बन रहे हैं 2 मोल H2SO4 के, ठीक है भाई। ये जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मिलेगा ये 98% जो है कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा, 98% गाढ़ा होगा, 98% गाढ़ा होगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गर्मी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, सोचा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इसी में करा दूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी और यूज़ भी इसी वीडियो में करा दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत था क्योंकि इसी के अंदर ठीक ठाक टाइम हमारा लग गया, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम पार्ट 16 के अंदर फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूज़ को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।